गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास सिविक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, और ये उसका कंटिन्यूस 4th पार्ट है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि एक सिंपल डेफिनेशन, फिर हमने देखे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमने लास्ट वीडियो में देखा था इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दीज टू क्वेश्चंस आर अगेन द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये आज का जो आपका वीडियो है, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आपके आने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि एक ब्रॉडर, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने एक मिनिमम चीज देखी है कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क है, राइट। अब हम देखेंगे कि एक इसका ब्रॉडर आइडिया कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या कहती है ना। हालांकि जो हमने अभी तक समझा है, दैट इज अगेन अ डेमोक्रेसी, लेकिन जब आप सुनेंगे कि व्हाट इज अ मतलब गुड डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट, तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो डेमोक्रेसी है ये फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, राइट। पहले के जमाने में जब ये शुरुआत हुई थी डेमोक्रेसी की, तो क्या होता था, जैसे मैंने आपको रेफरेंडम बताया था कि आपके सामने मतलब कम संख्या में लोग होते थे, तो उनकी डायरेक्ट उनसे उसी समय की भाई ये सड़क यहाँ से बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, तो वहीं पे लोग सभी बैठे होते थे क्योंकि जनसंख्या कम थी, तो वो उसी समय अपना हाथ रेस करके बता देते थे कि बननी है या नहीं बननी है, तो वो थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी भी तो 2 भागों में बटी होती है। एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि जो डायरेक्ट लोगों से पूछा जाता है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब सब मान लो, अगर हम इंडिया की बात करें, 135 करोड़ लोग हैं यहां पर, तो क्या सभी मान लो उसमें से अगर वोटिंग वाले 70 करोड़ भी हैं जो वोट दे सकते हैं 18 साल से ऊपर, तो वो 70 करोड़ क्या कोई ऐसी जगह है हमारे पास जहां एक जगह खड़े हो सके। तो इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव जो धीरे धीरे जो हमारी डेमोक्रेसी है वो इवॉल्व हुई और उसने एक जो जो एक शेप लिया, जो एक टाइप लिया, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको मतलब जैसे ग्राम सभा आज भी हमारे इंडिया में जो लोकल लेवल पे होता है, तो आइडियली ग्राम सभा होता है कि कोई भी गांव में कोई चीज होनी है तो सरपंच सबके सामने पूछता है कि क्या ये होना चाहिए, तो व्यक्ति अपने मतलब अपने हाँ या ना में उसका डिसीजन देता है, तो वो होगी डायरेक्ट, यानी कि प्योर डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। वैसे मैंने नीचे डेमोक्रेसी जो है डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो मतलब पहले लोगों की पॉपुलेशन कम थी, छोटे छोटे एरियाज में चीजें थी, तो उस हिसाब से डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत सक्सेसफुल। लेकिन आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तो इसकी नेसेसरी 1 मार्क के क्वेश्चन में जो आपका है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेगमेंट से बनता है, वो यही बनता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो उसका आपको आंसर आई होप यू नो। लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे कैन नॉट बी एट वन प्लेस एट वन टाइम, राइट। तो अगेन मतलब इट इज इम्पॉसिबल। सेकेंड क्या है कि अगर मान लो ये पॉसिबल भी कर देते हैं, तो लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास और अपनी बहुत सारी चीजें हैं कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं है कि भाई हम उनकी डिजायर नहीं कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें और फिर हम बताएं, और ना ही उनके पास ऐसी स्किल्स हैं हर एक व्यक्ति के पास कि वो डिसीजन मेकिंग में जो मतलब अलग अलग तरीके के नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो दे डोंट हैव दैट स्किल्स एज वेल, राइट। डोंट हैव टाइम, डिजायर एंड स्किल्स, ठीक है प्यारे बच्चों। रिप्रेजेंटेटिव की जो हमने देखा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, यानी नेसेसरी क्यों हुआ, जो आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, एक तो लार्ज पॉपुलेशन एंड दे डोंट हैव टाइम, डिजायर एंड स्किल्स, राइट। फिर आप देखते हैं, आप जैसे अगर हम वैसे और भी ब्रॉडर आइडिया में हम देखते हैं ना, तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने कंट्रीज को कंपेयर किया डेमोक्रेसी में कि चाइल्ड डेमोक्रेटिक है, हमने वो फीचर्स देखे, नहीं चाइल्ड नहीं है। पाकिस्तान है, नहीं पाकिस्तान भी नहीं है। क्या म्यांमार है, नहीं म्यांमार भी नहीं है। क्या जिम्बाब्वे थी, नहीं वो भी नहीं है। क्या इंडिया है, यस। तो आपने वो फीचर्स के हिसाब से यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश। लेकिन अब इसको जब हम ब्रॉडर आइडिया में जब हम देखते हैं, और भी जब हम इसको ब्रॉड करते हैं, तो सिर्फ हम गवर्नमेंट में नहीं देखते हैं इसको। आपने कई बार सुना होगा कि माय फैमिली इज वेरी डेमोक्रेटिक, है ना। मान लो मुझे अगर कोई टॉपिक पे डिस्कशन होना है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी बात की वैल्यू कम है और मेरे फादर या मेरे मम्मा की जो बात की वैल्यू उसकी ज्यादा है, नहीं। वी आर डेमोक्रेटिक फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक फैमिली, तो हम इसको अपार्ट फ्रॉम
गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी हम इसको कॉमनली यूज करते हैं। और इसी तरीके से आप देखोगे प्यारे बच्चों, जो मैडम लिंगदो हैं उनकी क्लास आपने देखा कितनी डेमोक्रेटिक है। तो बच्चों को ज्यादातर वो क्लास पसंद नहीं आती जहां पे डेमोक्रेसी बंधी हुई हो, या मतलब उसमें टीचर डेमोक्रेटिक जो है डिस्कशंस ना होने दें, राइट। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि मान लो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, अगर वहां पे एक लीडर और उसकी फैमिली ही सारे डिसीजन ले रही है अबाउट दी पार्टी, तो क्या हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? तो हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में देखा, एक क्लासरूम के टीचर के बारे में देखा, और हमने फैमिली, ऐसी बहुत सारे नंबर ऑफ आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगे जब आप इसके बारे में सोचेंगे। तो यानी कि हमने इसको ब्रॉडली भी देखा कि हम इसको किसी और तरीके, नॉट ओनली विद दी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, है ना। तो इसको हम वैसे भी हमने इसको जानने की कोशिश की जो इसका ब्रॉडर है। अब हम देखते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी आपको फीचर्स पता चल गए, लेकिन अब गुड या आइडियल डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट। आप अगर मान लो आप इंडिया की डेमोक्रेसी को आइडियल बोले, या किसी भी दुनिया की आप डेमोक्रेसी को आइडियल बोले, तो आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है वहां गरीबी नहीं होगी, करप्शन नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होगी। बट आप दुनिया के हर कोने में, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो काफी समय से डेमोक्रेटिक हो, वहां पे भी करप्शन आपको मिलेगा, वहां पे भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो रात को भूखा सोता है। तो रियल डेमोक्रेसी क्या होती है कि वहां पर एक भी व्यक्ति भूखे पेट सोना नहीं चाहिए, दैट इज आइडियल, है ना, और गुड डेमोक्रेसी। हमने अभी तक डेमोक्रेसी को समझा, लेकिन आइडियल या गुड डेमोक्रेसी क्या है कि वहां पे कोई भी व्यक्ति, ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे एक तो कोई भी व्यक्ति वहां पर भूखा नहीं सोना चाहिए अगर डेमोक्रेसी है, दूसरा कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें लोगों की, मतलब सिर्फ 1% वन वोट और वन वैल्यू वाली नहीं, वो तो है ही है, उसके साथ में उसको एक अच्छी एजुकेशन, उसकी हेल्थ फैसिलिटी, या उसकी जो भी मैटर्स पे डिस्कशन हो रहा है उसकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो एक कहीं ना कहीं आइडियल टाइप ऑफ, और आप जब नजर दौड़ाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी कंट्री आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इक्वल रोल, जैसे गुड एंड आइडियल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मिनिमम कंडीशन जो अभी तक हमने पढ़ी है, जो फीचर्स हमने पढ़े, वो मिनिमम कंडीशन है कि वो होगा तब हम उसको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो नो वन गोज हंग्री टू बेड, यानी कि जैसे एक पॉइंट अगर रियल में हम आइडियल की बात करें, इक्वल रोल ऑफ ईच इन ऑल मैटर्स। प्यारे बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हम नेक्स्ट में पिक्टोरियल, जो भी पिक्चर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट वाली जो इसकी लाइन है इस चैप्टर की, वो मैं आपको आपके साथ बोल के पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। हमने यहां डिस्कस किया द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। Every democracy has to try to realize the ideal of a democratic decision making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic form of decision making. What we do as citizens can make a difference. This is the very important line jo main jiske liye main aapko ye padh ke sunana chahta hu. We can create the difference making our country more or less democratic. This is the strength and weakness of डेमोक्रेसी, यानी कि लोग ही हैं वहां पे जो उसको मोर डेमोक्रेटिक और कम डेमोक्रेटिक उसको बनाने की ताकत या क्षमता रखते हैं। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को ध्यान से निभाना चाहिए, और आपकी अभी जो जिम्मेदारियां आप उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स लाइक मोनार्की, आई होप यू अंडरस्टैंड, डिक्टेटरशिप एंड वन पार्टी रूल, जैसे कम्युनिस्ट, डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। अब ये जो होते हैं मोनार्की वाले, इनको नहीं, कोई मतलब नहीं है कि वो चाहते ही नहीं है कि भाई सभी लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, बट इन डेमोक्रेसी एवरी पीपल शुड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। इन फैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। दैट इज व्हाई आवर स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो यानी कि आपने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हम लोग हैं, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी
जो है इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज मी, प्लीज रिमेम्बर डेमोक्रेसी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर आप आज की डेट में बात करोगे वर्ल्ड में, तो स्विट्जरलैंड ही एक वो कंट्री है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको कुछ डिसीजंस में मिल जाएगी, स्विट्जरलैंड। ठीक है प्यारे बच्चों, दिस इज अगेन अ इंटरेस्टिंग फैक्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।